मार्च कौन सी हो सकती है? नहीं अभी उतना नहीं है. विच वन? सेम बट मेरी 1971 है. उल्टे किया. ओके आई हैव सीन द फिल्म इन अ रूम विदाउट मेनी पीपल. लेकिन आपस में भी हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था. यहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए हैं. मैं नीना को बोला था, मैंने कहा यार पता नहीं कैसी बनी है, एक बार दिखा तो दो. तो नीना केम ओवर, नीना शोड मी द फिल्म एंड आई इंस्टेंटली रियलाइज कि इट्स अ वेरी रेलिवेंट फिल्म. बहुत एक तो मज़ेदार तरीके से बड़ी सीरियस बात बोल दी है. तो जब हम शूट कर रहे थे तब समझ में नहीं आया था कि इतनी अच्छी बन जाएगी, बट इट्स कम आउट रियली वेल. बहुत ब्यूटीफुली बनी है. यार अगर मैं थोड़ा सा बड़ा स्टार होता और हमारे पास पैसे ज़्यादा होते तो शायद हम भी पहले बोल देते. फुल्लू, पैडमैन, काफ़ी साल से लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्चुअली में एक असल इशू है. नीना इसको एक कदम और आगे ले गई है, इसको बायोडिग्रेडेबल बना दिया है. आई मीन ये एक असली प्रोडक्ट है. आई मीन आई डोंट नो इफ एनीबडी नोज, वो साथी पैड्स करके एक पैड है जो ऐसा पैड बनाते हैं जो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो फर्टिलाइज़र बन जाता है. तो एक पैड प्लास्टिक का बनता है, उसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लग जाता है. वो एक बाद में आप देखते हो फिल्म के लास्ट में कि एक नंबर ऑफ़ पैड्स को डिग्रेड होने में आप 400 साल लगते हैं. 400 साल में अगर पैड डिग्रेड हो रहे हैं. सड़कों पे हमारे एनिमल्स हैं यार, कितने सारे. इंडिया राइट, हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, हम सबको एग्जिस्ट करते हैं. वी आर कनेक्टेड टू जंगल्स. गाय आती हैं, वो पैड्स खा लेती हैं, वो बीमार हो जाती हैं. दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग राइट. लेकिन एट द सेम टाइम हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं. वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है. वी ऑल बीन फाइटिंग अबाउट इट. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम वो एनवायरमेंट जो हमारा आसपास का उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपनी औरतों को कैसे एनवायरमेंट में रख रहे हैं. सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली लव्ड अबाउट दिस फिल्म कि बायोडिग्रेडेबिलिटी के बारे में किसी ने सोचा नहीं. औरतों के बारे में सबने सोचा, फाइन ग्रेट दैट्स अ गुड थिंग. बट अब थोड़ा सा एनवायरमेंट के बारे में सोच लेते हैं. पर्सनली आई फील यही नॉर्म होना चाहिए. वीमेन नीड पैड्स बट एट द सेम टाइम लेट्स मेक देम बायोडिग्रेडेबल इफ वी कैन, व्हाई नॉट. यार ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं. सेक्स तो सबसे बड़ा टॉपिक है, मतलब उसको इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ है. मेरा मानना ये है कि अगर सेक्स इतना बड़ा हवा नहीं होता हमारे कंट्री के अंदर तो शायद हमारे जो मेल्स हैं जो जिनको सेक्स एजुकेशन नहीं है, जिनको इतनी अकल नहीं है, वो शायद सेक्स को लेके या ऑपोजिट सेक्स को लेके इतने ज़्यादा क्यूरियस नहीं होते और ये सारे हादसे नहीं होते जो हो रहे हैं राइट. आई मीन एवरीबडी इज़ ओपन माइंडेड, इफ एवरीबडी इज़ एजुकेटेड अबाउट टैबूज लाइक सेक्स लाइक सैनिटरी नैपकिंस तो ये सारे इश्यूज होंगे ही नहीं. एंड देन अलग इश्यूज भी हैं इस फिल्म के अंदर. एक छोटा सा हम टच करते हैं ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस. एक आदमी के दांत अगर ऐसे हैं तो मतलब क्या, मतलब इफ समवन लुक्स बैड डज ही नॉट हैव द राइट टू मैरी, डज ही नॉट हैव द राइट टू एंजॉय लाइफ. उसको पूरा गांव ऐसे देखता है कि जैसे ये सबसे अजीब आदमी है पूरे गांव का. इट्स ऐसा नहीं है यार. आप 20 25 30 साल के अंदर जब कपल्स बूढ़े हो जाते हैं तो क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कैसे दिखते हो, आप मोटे हो या पतले हो, आपका पैर ठीक है या टूट गया है, हो सकता है कट जाए. इसका क्या ये मतलब है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दोगे? दैट्स अनदर थिंग दैट दिस फिल्म टॉक्स अबाउट कि यार शी सच अ ब्यूटीफुल गर्ल. वो किसी से भी शादी कर सकती थी लेकिन शी गोज अहेड एंड शी अग्रीज टू मैरी लोकेश. माना बिना देखे जब देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो लोकेश का दिल देखती है तो शी इज़ लाइक कि कितना अमेजिंग आदमी है. दैट्स अनदर प्रॉब्लम इन आर कंट्री. हम फेस वैल्यू से बहुत कुछ जज कर लेते हैं. इसकी बॉडी अच्छी है, इसके पास एब्स हैं तो दिखने में बहुत अच्छा है, हाँ ये हीरो ही होगा. दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी. हंड्रेड परसेंट यार. मतलब मैं बैंक चोर में लोगों को गोली मार के उसके अंदर उंगलियां डाल रहा था. व्हाई नॉट, मीन दिस इज समथिंग मैं आई वुड लव टू शो दिस टू माई चिल्ड्रन. मैं ऐसी सारी फिल्में करना चाहूँगा जो मैं अपने बच्चों को दिखा सकूँ कि देखो बेटा ये है.
इन चीज़ों के बारे में बात करके ही आप सीख सकते हो, इन चीज़ों से दूर भाग के आपको कभी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सेक्स, हाँ ठीक है, ये होता है सेक्स, दिस इज़ हाउ बेबीज आर मेड, ऑल दीज क्वेश्चंस मैं जानता हूँ। आई वॉज व्हेन आई हैड माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड तब मुझे समझ में आया, तब मुझे किसी ने बताया था कि पीरियड्स क्या होते हैं। माई गर्लफ्रेंड टोल्ड मी कि आई हैव पीरियड्स, लाइक वो क्या होता है, डिड यू बिलीव दैट, मी फ्रॉम मी कमिंग फ्रॉम सच एन एजुकेटेड बैकग्राउंड, बट स्टिल माई फैमिली केप्ट मी अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, आई डोंट ब्लेम देम, सोसाइटी ऐसी थी, बात नहीं करते थे इन चीज़ों के बारे में। विस्पर अल्ट्रा की एड आती थी टीवी पे, मैं पूछता था ये क्या है, तो कुछ नहीं है। दैट शुडंट हैपन, इफ आई न्यू बिफोर आई वुड अंडरस्टैंड वुमेन मच बेटर टुडे। आई नो इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस। I'm a huge fan of Salman Khan. You know, he's gifted me a pair of shoes which I still have. Yeah, I know. I heard about the verdict today. He's been convicted for 5 years. मैं आज सुबह ये सोच रहा था कि मैंने पूछा था किसी से, कोई जेल वगैरह के फंक्शनैलिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बोला था कि 5 साल ऐसे नहीं होता, रातें भी गिनी जाती हैं। मैं बोला अच्छा, मतलब 2.5 साल। सो मैं, हाँ तो 2.5 साल में आई वॉज हैप्पी, बट मैं एक तरह से, इफ सलमान भाई इज़ लिसनिंग और कभी सुनेंगे, मैं बस ये बोलना चाहूँगा, फिनिश इट, बहुत लंबा खींच गया, आपके सर पे वो एक है, वो ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत लोग हैं जिनकी आप मदद करते हो, देर आर सो मेनी पीपल हु डिपेंड ऑन हिम। मैंने कल ही एक फोटोग्राफ देखा था, वह सलमान खान इज़ रिटन, इफ़ मनी कैन सेव समवनस लाइफ आई विल गिव यू दैट मनी, not many people have the guts to even say that. And if that kind of a man, theek hai, if he's done something wrong, fine, there is something wrong we've all done, there are people in this room, we've all done something wrong in life, kuch log pakde jate hain, kuch log nahi pakde jate hain, so I just hope if this is avoidable, it gets avoided somehow, if not, but then at least iske baad Salman bhai will be case free. Yeah, huh? Varun is going to October. Varun is April mein October aa raha hai. Yeah, wo bahut busy hai yaar wo. I called him here, but I'm glad that he's trying new roles. Shashank ke sath kaam karke usko wo हम हमेशा सेट पे मजाक किया करते थे यार, क्वीन वाली एक्टिंग करेंगे, तो आई थिंक अक्टूबर में बहुत सारी क्वीन वाली एक्टिंग उसको करने को मिली होगी, एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज कम अ वेरी डिफरेंट लुक, वो मूछ वूछ लगा करके, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्साइटेड टू सी हिज फिल्म, मैं देखूंगा जरूर। वेल राइट नाउ देर इज़ अ प्रोजेक्ट, इट्स अ स्पोर्ट्स फिल्म, आई कॉन्ट से मच अबाउट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। It might just be the kind of role an actor like me always hopes to get, which makes him more than what he is. Aise hi bol sakte hain. So yeah, sports film next. Thank you so much. Thank you guys. Done now. And within 15 minutes. वेरी मच एक्साइटेड, मैं बहुत काफ़ी टाइम से आई एम बीन एसोसिएटेड विद क्लिक डिजिटल स्टूडियो, तो काफ़ी जाने वाले हैं, तो उन्होंने बुलाया तो ऑब्वियसली आई सेड ऑफ कोर्स आई विल कम, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मियाँ बीवी और बनाना
क्या होने वाला है, आई हैव नो आइडिया, नो क्लू. सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. अच्छा, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है, आई वॉज आउट ऑफ बॉम्बे. अच्छा, पैड में. ओके. आई थिंक अगर वैसा आप कह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल यू नो काफ़ी लोग शर्माते हैं, उस वजह से यू नो आपकी सेफ्टी, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते विद फैमिली, विद फ्रेंड्स. कई बार वो टीवी में ऐसे एड्स आते हैं, आप चैनल चेंज कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा यू नो अब वो टाइम निकल गया है. यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरी थिंग कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या होता है. ये भगवान की चीज़ है, भगवान ने दिया है, तो इससे शर्माना नहीं चाहिए किसी को. खुल के आगे आओ, खुल के बढ़ो, और अपने बच्चों को सिखाओ कि आगे चल के वो रिस्पेक्ट कर पाएँ अपने सिस्टर्स की, अपने गर्लफ्रेंड्स की, अपनी मदर की, जिनसे भी, सबकी रिस्पेक्ट करें. इसलिए बहुत ज़रूरी है मैसेज. सलमान खान, मैं बहुत बड़ा, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फ़ैन किसी का नहीं हूँ, बट आई एडोर हिम, आई लव हिम. फ़ैन तो होता है कि वॉलपेपर्स रखते हो, आप पागल हो. जैसे शाहरुख खान फ़ैन पिक्चर में थे, अपने ही फ़ैन, तो वैसे फ़ैन मैं किसी का भी नहीं हूँ, मैं खुद का भी नहीं हूँ, बट मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है. आई होप सब अच्छा हो उनके साथ. आई कांट से एनीथिंग, बट जो होगा ऊपर वाले के हाथ में. नथिंग, बस एक मेरी भी, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, राइट? तो मेरी भी एक वेब सीरीज आ रही है विद अमेजॉन प्राइम, इट्स कॉल्ड मेड इन हेवन, एंड इट्स बीन डायरेक्टेड बाय ज़ोया अख्तर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यू नो जल्दी से आई थिंक इट्स गोना रिलीज इन सेप्टेम्बर. नथिंग, सॉरी, कोस्टार्स हैं उसमें, बहुत सारे हैं, बहुत सारी, इट्स अ ह्यूज कास्ट. कल्कि है, एंड शिवानी रघुवंशी हैं, और बहुत सारे हैं जिनके साथ मेरा सीन नहीं है, बट काफ़ी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. It's too loud. Say silence. Silence. Yeah. So I just watched the film and I'm very happy to support a film like this, and especially it's by my friend Nina. So I know what has been happening before the film, how too much of mind work has been involved in this. And to make film like this, it needs a lot of courage, because it's empowering, like women empowerment and friendly with the environment, which is amazing. Like what we just saw in the film, which was banana and the fibers, how you know sanitary pads can become in use and which can be useful for the farmers too. I think it's a brilliant concept. I think this kind of movie should be promoted to another level. I really hope so. So there are a couple of friends working in the movie itself, like Sahil and Parul. So Sahil is like to the point itself. He's such a humorous person itself, and the way he's given his lines to exactly to the point where the humor should come, it's perfect. I loved his acting. Thank you so much. Thank you.